अस्सलाम वालेकुम मरहबा दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ओमान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिप अनकट। क्योंकि लाइफ में कुछ कट नहीं है, सब अनकट है। तो हम आज आ गए हैं नवी जगह एक्सप्लोर करने। जैसे आपको पीछे दिखता होगा गजीबो ढाबा, तो बाहर से तो इंटीरियर बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं इंटीरियर कैसा है और यहाँ पर वेराइटीज क्या क्या है और खाना कैसा है। तो चलते फटाफट अंदर और मिलते हैं आगे। तो ये गजीबो का गेट, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पर चलो एंट्री करते हैं अभी अंदर। और माशाल्लाह यहाँ पर मस्जिद है, जैसे आपको नमाज़ पढ़ना हो तो हम नमाज़ भी यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दुकान है, थोड़ा स्टॉल है, मतलब चाय का ये सब का। और जो ये आपको दिख रहा है ये एरिया जैसे कि कोई बर्थडे करना रहेगा अपने को सेलिब्रेशन, तो ये एरिया वो मिलता है अपने को पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इतना पूरा। और आगे की एंट्री भी दिखा देता आपको। तो ये गजीबो की यहाँ पर से एंट्री है, तो चलते अब अंदर फटाफट। यहाँ पर पूरा सिटिंग है, पूरा जैसे कि नंबर्स दिए हुए, ये पूरा ऐसी ही सिटिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर भी पूरा ऐसी ही सिटिंग है। और यहाँ पर ऊपर भी देख रहे हैं आप, जैसे कि पूरा सिटिंग ही है। तो हमारी पब्लिक कहाँ बैठी है, आगे चलते पहले फिर बताते। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी पूरा सिटिंग है, पूरा ओपन एरिया सिटिंग है। और यहाँ पर शायद बर्थडे पार्टी के हिसाब से बर्थडे पार्टी हो रही है उधर, और ये पूरा एरिया सिटिंग का है। और आगे चलते हैं पहले, और चलते आगे। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर सब सीटिंग ही है, मतलब कि फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे लोग के लिए प्लेइंग एरिया है पूरा। और यहाँ पर फाउंटेन है, फाउंटेन गजीबो का फाउंटेन है यहाँ पर, आई लव गजीबो। तो ये भी पूरा प्लेइंग एरिया है गजीबो का। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है जैसे आपको दिख रहा है। पहले अंदर भी मतलब सीटिंग है, एसी है पूरा। और ये किचन है यहाँ पर गजीबो का, ये पूरा किचन एरिया है। आप सीख देख सकते हो कितनी बड़ी बन रही है, यहाँ के शेफ। और वहाँ पर आगे और सीख बन रही है सेम। तो ये ऊपर का एरिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चना और पापड़ आ चुका है, तो उसको फटाफट ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। और सबसे एक अच्छी चीज़ ये लगी हमको, हर ढाबे में हमको खाली सेजवान चटनी मिलती है, यहाँ पर हमें ग्रीन चटनी भी मिली है, तो ये भी थोड़ा यूनिक है। और इसके साथ भी ट्राई करके अब आपको बताते हैं कि कैसा है। देखो हम ग्रीन चटनी के साथ ट्राई कर रहे हैं, देखते फिर आपको टेस्ट बताते। ग्रीन चटनी तो तीखी ज़रा भी नहीं है, बाकी जो चना है वो एक्चुअल में थोड़ा स्पाइसी है, बट उतना भी स्पाइसी नहीं कि आप खा नहीं सको। अच्छा लग रहा है खाने में, आपको टेस्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या टेस्ट है चने का। तो ढाबे में सबसे पहली डिश आपकी यही एक टाइम पास डिश यही होती है, जब तक आपका ऑर्डर बनते रहता है आप ये मंगा के इसको टाइम पास के हिसाब से खाइए। फिर चलते हैं, हमारी डिश अभी बन रही है, फिर जैसी आती फिर आपको बताते हैं। तो हमारी डिश आ चुकी है, चिकन बिग प्लेटर, ये भाई लेके आते हो। ये चिकन शेजवान है, पहला जो डिश दिख रही है आपको, पावा कंटालिया टिक्का है, चिकन सीख कबाब, चिकन पेशावरी है, क्या है भाई लास्ट वाला, हुन्नान स्टाइल। अराउंड 4,500 रुपीज़ की है। अब वो टाइम पे आप आएंगे शायद तो कभी रेट्स का आगे पीछे रहेगा, बट आप क्वांटिटी आपको बता सकते हैं कि आप ये प्लेट देख रहे हैं ये पर पर्सन के हिसाब से इतनी आ रही है, और ये सबके उसमें उतनी प्लेट में इक्वली आ चुका है। और इतना अभी स्टार्टर अभी अपना बचा भी है, तो ये खाली स्टार्टर्स है, इसके बाद अभी ग्रेवी बाकी है, नान बाकी है एंड राइस बाकी है। तो वो भी फटाफट आने वाला है, वो भी बन रहा है। तो जब तक हम ये ट्राई करते हैं फटाफट, ये स्टार्टर्स पूरे ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये कोई हुनान टिक्का है, इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये थोड़ा स्वीट लग रहा है, लाइक क्रिस्पी जैसा है और कुछ नहीं, बाकी ये स्वीट है। अब दूसरा स्टार्टर ट्राई करते हैं, इसको खा के बताते हैं आपको कैसा है। तो
ये थोड़ा क्रीमी टाइप है, स्वीट तो नहीं है बट अच्छा है। ये पेशावरी टिक्का है, इसको ट्राई करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आप देख सकते हैं गोश्त एक एक उंगली से दब जा रहे हैं, रेशे रेशे अलग हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छी लगी, हमें ऐसी गोश्त पसंद है। अब इसको खा के आपको बताते हैं। नॉर्मली है, उतना वैसा टेस्ट मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब सीख ट्राई करके देखते हैं। सीख का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, सीख हमको बहुत ज़बरदस्त लगी है। अब और कुछ ट्राई करके देखते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कैसा है, ज़्यादातर जो डिशेज़ हैं ये टिक्का की ऑलमोस्ट स्वीट है, बट कैसा है कि आप कभी बच्चे लोग आ रहे हैं आपके साथ तो उन लोग खाते नहीं हैं, तो वो सब हिसाब से इन लोग ने शायद वैसा बनाया होगा। बाकी स्पाइसी खाते होंगे तो उनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डिशेज स्वीट है और सब क्रीम में बनी हुई आइटम है ये सब। तो अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप वो हिसाब से भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेटर्स के हिसाब है, आप प्लेटर्स के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिश चाहिए तो वो भी मिलता है, तो आप वो भी ऑर्डर करके अलग अलग मंगा सकते हैं। तो हम फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे अपनी दूसरी डिश के साथ। स्टार्टर में सबकी भर गई है, अभी राइस नान और ग्रेवी भी बची हुई है, तो अभी उसको हमने थोड़ा रुका दिया, उसको बाद में मंगाएंगे, थोड़ा वेट करके थोड़ा ये अंदर चले जाए, डाइजेस्ट हो जाए पहली बात। अभी आप देख सकते हैं हमारा इतना स्टार्टर, अभी दो स्टार्टर तो ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम क्वांटिटी में बचा ही है, और अभी हमारी प्लेट में भी एक एक दो दो पीस अभी वेटर और लेके चले गया और सबके प्लेट से, मतलब इनफ है। आप अगर 10 लोग भी इसको खाएंगे ना तो 10 लोग के लिए भी एकदम इनफ है। तो इसको हम खाते हैं कैसे भी, दिल पे पत्थर रखे जैसे भी खा सके, फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको दूसरी डिश के साथ। तो स्टार्टर की क्वांटिटी तो बहुत अच्छी थी, और अभी हमको उसमें ग्रेवी भी बाकी है और तंदूरी रोटी भी बाकी है और राइस भी बाकी है, तो अभी रुके हुए वेट कर रहे, क्योंकि स्टार्टर ही इतना ज़्यादा हो गया हमको कि अभी ग्रेवी और राइस को थोड़ा वेट करके ही खाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। एग्जांपल के अच्छे डाइट वाले जो लोग होते ना, उन लोग 2-10 लोग आराम से खा सकते, हम लोग तो 8 लोग थे, वो उन लोग 10 लोग आराम से खा सकते, इतनी अच्छी था उस मतलब क्वांटिटी इतनी अच्छी थी। तो अभी थोड़ा टहल रहे, मेरे को लगता है कि इन्होंने ये इतना बड़ा इसके लिए रखा है कि पब्लिक स्टार्टर खा के थोड़ा टहल ले, तो सीरियसली बहुत टहलने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है और बहुत बड़ी प्लेस है जैसे आपको दिख रहा है। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो हमारी ग्रेवी और राइस आ चुका है, तो ये चिकन ग्रेवी है, इसका नाम ही चिकन ग्रेवी है, और ये अपनी नॉर्मल जो राइस आती है चिकन राइस वही है, और तंदूरी रोटी है, मतलब कि जैसा स्टार्टर था ना उसके हिसाब से सही है, मतलब इतने में आराम से हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इसके हिसाब से ये बहुत सही है। तो फटाफट इसको खाते हैं और इसका टेस्ट भी आपको बताते हैं कि कैसा है। तो ये हमारे अली भाई है, ये इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दिया हमको, थैंक यू अली भाई सर्विस के लिए, और अभी भाई अली भाई आपको सर्व करेंगे। तो बटर नान के साथ ग्रेवी टेस्ट करते हैं कैसी है। तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्रेवी मीठा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको पहले मिला था ज़्यादा मीठा, मगर ये मीठा नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है ग्रेवी का, मैं बहुत बोले बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मेरे को रोटी के साथ। तो अभी राइस की बारी है, तो राइस भी ले लेते हैं अभी हम, थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। तो ये नॉर्मल फ्राइड राइस के जैसा ही है, मतलब ज़्यादा वैसा कुछ अलग नहीं है, एकदम नॉर्मल फ्राइड राइस जैसा खाते वैसा ही लगा उसका टेस्ट। तो अभी मिलते हैं आपको आगे, इन्होंने भी बहुत अच्छी सर्विस दिया हमको, थैंक यू फिरोज भाई सर्विस के लिए। आप लोग कैसे लगे सर्विस? मतलब बहुत अच्छा था, बेस्ट था, खाना वाना बहुत अच्छा था, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू, तो थैंक यू भाई। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो इनकी प्लेटर्स है,
तो गाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हम लोग का जो स्टार्टर आया था तंदूरी स्टार्टर, वो कैसा है, हम लोग तो बोल रहे थे कि स्वीट्स है, बट कैसा है, थोड़ा स्वीट डिश थी बट वो ख़राब नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी, हद तक मीठी थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं मीठी थी, बट बहुत ही अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि ख़राब थी, आप खा सकते हैं। कैसा रहता है, बहुत से लोगों को स्पाइसी खाना पसंद रहता है, तो हमारे भी ग्रुप में दो चार लोग थे उनको स्पाइसी खाना पसंद है, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि डिश ख़राब थी, डिश तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लगी हमें। और एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए कि आप सैटरडे वीकेंड्स में तो आना अवॉइड ही करिए, क्योंकि कैसा रहता है वीकेंड में रश इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ना आपको बाहर आउटडोर में कहीं जगह मिलने वाली है, ना ऐसे ऐसे शेड के नीचे आपको कहीं कुछ जगह नहीं मिलने वाली है, तो आप अवॉइड ही करिए, आप वीकडेज में आइए, आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, आपको खाने भी बहुत अच्छे मिलेंगे, तो ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिए। ओवरऑल बहुत अच्छा था सब कुछ, स्टार्टर जैसे कि आपको मालूम पड़ा कि स्टार्टर था 5 वेराइटीज़ का, ऊपर सीख थी, फिर ग्रेवी था और राइस भी था, तो 10 लोग आराम से खा सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट में, और हम लोग मेरे को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में और न्यू जगह एक्सप्लोर करें।